वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज FMCDSL स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो CDSL स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम की बात की जाए तो देख सकते कि 1071 पे आज ट्रेडिंग करा स्टॉक, हल्की सी गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। मीन्स तकरीबन देख सकते आज गैप अप से ओपन हुआ था स्टॉक, ओपन होते ही या फिर स्टॉक के अंदर गिरावट नजर आ चुकी। उसी गिरावट में देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक डाउन किया और रिसेंटली देख सकते कि 1070 लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाउंस बैक हो चुका है स्टॉक। तो रिसेंटली यहाँ पे देख सकते कि वापस आता भी है स्टॉक तो ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लग सकता है स्टॉक के लिए। यानी कि देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे आज फिर से बेरिश मोमेंट नजर आ चुके, इस मंथ में काफी गिरावट देखने को मिले CDSL स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट 5 डेज में भी देख सकते हैं तकरीबन स्टॉक में यहाँ पे 3% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है। मार्केट कैप 11.21,000 करोड़ का है, पी रेशियो 37 का है और डिविडेंड यील्ड 1.40%। तो यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 2,55,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, ट्रेडेड वैल्यू 2,750 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो बाइंग के लिए 73 लाख क्वांटिटी है तो सेलिंग के लिए 66 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं CDSL के अंदर। तो चार्ट के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे CDSL स्टॉक के, तो देख सकते कि इस मंथ में काफी गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। और मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन स्टॉक ने 1100 लेवल को ब्रेक किया, अभी रिसेंटली नीचे आता है तो 1070 लेवल के नीचे आज क्लोजिंग होते हैं और देख सकते कि 1052 भी लेवल देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट CDSL स्टॉक के लिए।